आज हम योग का जो मुख्य लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति, भगवान की अनुभूति। ब्रह्म प्राप्ति माने भगवान की अनुभूति। भगवान की अनुभूति का अर्थ कहीं जाना नहीं है, जो अपने भीतर बाहर सर्वत्र है बस उसको पाना, अनुभव करना। इसलिए भगवान की प्राप्ति का मतलब भगवान की अनुभूति। यहां स्थान की दूरी है ही नहीं, यहां ज्ञान की दूरी है, यहां अज्ञान की दूरी है, अश्रद्धा की दूरी है, अकर्मण्यता की दूरी है, अशुभ की दूरी वो हट गई। तो बस जब अज्ञान अश्रद्धा अकर्मण्यता अशुभ हटा, तो बस भगवान के होने का एहसास घटित हो गया। तो कपालभाति निरंतरता के साथ करना, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मूलाधार से सहस्रार तक जब सारे शरीर के इंद्रियों के चित्त के सब दोष अष्ट चक्रों के नौ द्वारों के 72,72,10,201 नाड़ियों के पूरे अस्तित्व के सारे दोष दग्ध हो गए। दय्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहः। गीताध्ययन शीरस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जन्म जन्मांतरों के जो दोष है, अशुभ कर्माश है, अशुभ संस्कार, अशुभ वासनाएं, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं जितने भी पूर्व संचित जो दोष है इनका प्रतिप्रसव हो जाता है, इसी को प्रतिप्रसव समाधि कहते हैं, इसको भावातीत समाधि कहते हैं, गुणातीत समाधि कहते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वातिथि शक्ति, इस स्थिति को हमें पाना, इसके साधन है। जैसे हम व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए सैकड़ों प्रकार के साधन अपनाने पड़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में व्यापार में सफलता पाने के लिए उसका मार्केट साइज क्या है, किस तरह से वो मार्केट ड्राइव होता है, फिर उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका प्रोसेसिंग क्या है, उसका सप्लाई चेन से लेकर के उसकी रिटेलिंग से लेकर के उसका कंप्लीट एक्जीक्यूशन क्या है, उसके बारे में हमें बोध होना और उन साधनों को अपनाना पड़ता है, तब वहां पर हमें सिद्धि मिलती है। ऐसी ही राजनीति में किस तरह से कौन से इमोशन से पूरा समष्टि का मन संचालित होता, ड्राइव होता है, और इमोशंस परसेप्शंस परफॉर्मेंस इसके आधार पर किस तरह से हम एक बहुत बड़े समूह पर आधिपत्य पा लेते। राजनीति के अलग साधन है, व्यापार के अलग साधन है, अनुसंधान के अलग साधन है, कृषि के अलग साधन, संबंधों में सुखपूर्वक जीना है तो उसके अलग साधन है, उसके लिए परस्पर प्रीति, परस्पर सहानुभूति, संवेदना, समर्पण, सहयोग, उस हम संबंधों को सुखपूर्वक जीते। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के भी साधन अष्टांग योग, यम नियमों का पालन, ये प्रथम आधार है, ये आठ सीढ़ियां। जो यम नियमों का पालन नहीं करता वो भगवत दर्शन का अधिकारी ही नहीं होता, उसमें पात्रता ही नहीं आती। इसलिए यम नियमों का पालन करना, आसन का अभ्यास करना,
आसन के दो तरह के अभ्यास हैं, एक तो जैसे हम स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम तथो द्वंद्व अनभिघात, ये एक आसन में हम 2 घंटा 3 घंटा लगातार बैठ सकें इसके लिए पहले कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा जिससे कि स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाए, शरीर में कोई दोष ना हो, फिर इंद्रिय और चित्त में कोई दोष ना हो तो उसके लिए प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान और समाधि, ऐसे क्रम है ये योग का, अष्टांग योग योग का साधन, फिर ज्ञान योग अर्थात ये समझ आ जाए, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये विवेक हो जाए, ये पूरी तरह से साफ साफ हमारे को दिखने लगे, कोई भ्रांति ना रहे, किसी भी प्रकार की उलझन गफलत, कपालभाति निरंतर करते रहिए तो ही ये जो मैं कह रहा हूँ ये समझ में आएगा, क्योंकि एकाग्रता बनी रहेगी, दोष नहीं रहेंगे शरीर में इंद्रियों में चित्त में, तो फिर ये जो निर्दोष सत्य है, जो ये योग का परम शाश्वत नित्य सत्य है, ये अपने भीतर प्रकट हो। तो मैं आपसे कह रहा था लय के साथ कपाल भाति करते करते योग के जो मूल साधन है, अष्टांग योग योग का मूल साधन क्रिया योग, योग का मूल साधन समाधि योग, योग का साधन समर्पण, योग का मूल साधन ज्ञान योग, कोई अज्ञान नहीं रहा, कोई भ्रांति कोई भ्रम कोई संशय कोई गफलत कोई उलझन कोई कंफ्यूजन लेश मात्र भी नहीं। जब सब सुख का आधार, सब संबंधों का आधार, सब ऐश्वर्य का आधार, सारे अस्तित्व का आधार भगवान ही अनुभव में आने लगता है, यह है बोध, यह है विवेक, तो फिर कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। हमें आकर्षण किसका है? हमें आकर्षण है सत्ता का, हमें आकर्षण है संपत्ति का, हमें आकर्षण है बाहर के संबंधों का, स्त्री पुरुष के संबंध, माता पिता और संतानों का संबंध, जितने भी संसार के संबंध हैं इनमें आकर्षण रहे कि मैं पति होऊंगा, मैं पत्नी हो जाऊंगी, मैं पिता हो जाऊंगा, मैं माँ हो जाऊंगी, मैं पुत्र हो जाऊंगा, मैं गुरु हो जाऊंगा, मैं शिष्य हो जाऊंगा। इसलिए योग और अध्यात्म को 2 तरह से कहा जाता है, एक नीति नीति की भाषा है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, और फिर जब ये भ्रम दूर हो जाता है तो फिर एक दूसरा सत्य प्रकट होता है। शुरुआत नीति नीति से होती है और फिर ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब संबंधों का आधार ब्रह्म ही है, माता में भी वही, पिता में भी वही। पहले बोला जाता है न मैं माता हूं, न मैं पिता हूं, न मैं गुरु हूं, न मैं शिष्य हूं, चिदानंद रूप है शिवो हम शिवो, पहले बोला जाता है मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, और फिर कहा जाता है मैं सब कुछ, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। कपालभाति निरंतरता के साथ करते रहना, ये अज्ञान ना रहे कि बाहर की सत्ता मुझे सुखी कर पाएगी, बाहर की सत्ता तो अंत वाली है, कितना ही हम पाले ऐश्वर्य वो अनंत नहीं हो सकता, वो एक सीमा में रहेगा, चाहे वो जमीन हो जायदाद हो, वो चल अचल संपत्ति जिसको बोला जाता है,
कितना ही ऐश्वर्य हो, सारा जगत का ऐश्वर्य एक को तो मिल नहीं सकता। और यहाँ तक का शास्त्रों में सारा मिल भी जाए ना, यत पृथिव्याम ब्रहीयवम हिरण्यम पशवास्त्रिय एकस्याप न पर्याप्तम तस्मा तृष्णम परित्यज, सारे जगत का मालिक को एक तो हो नहीं सकता, पूरे अस्तित्व का, ये सारी कायनात का, ये सारी सृष्टि का, समष्टि का, सारे ब्रह्मांड का मालिक एक तो हो ही नहीं सकता। इतना संघर्ष है सत्ताओं का, उसमें 200 से ज्यादा तो राजनीतिक दृष्टि से पॉलिटिकली देशों की सीमाएं बन चुकी हैं, और उसमें भी एक दूसरे पर युद्ध के लिए आतुर है। और एक गली मोहल्ला जीतने के बाद वार्ड मेंबर, पंचायत का मेंबर, पंचायत का चुनाव जीतने के बाद फिर नगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद एमएलए एमपी का चुनाव जीतने के बाद सीएम बनने के बाद पीएम बनने की, और पीएम बनने के बाद फिर वर्ल्ड लीडर बनने की, और वर्ल्ड लीडर बनने के बाद सबको अपने अधीन चलाने की ऐसी ऐसी तमन्नाएं हैं, सत्ता की भूख कभी पूरी नहीं होती। नवी तेन तर्पणियो मनुष्य, संपत्ति की भूख भी अभीप्सा लालच लस्ट वासना पूरी नहीं होती, संबंधों की भूख भी पूरी नहीं होती। पहले लोग सोचते हैं कि एक के साथ शादी ब्याह करा लो, उसे सुखी हो जाएंगे, और संसार में कितनी विद्रूपताएं देखने को मिलती हैं, कितनी कुरूपताएं देखने को मिलती हैं, कितना पतन है कि कई कईयों के साथ भी शरीर संबंध बना करके भी मैंने लोगों को रोते तड़पते बिलखते देखा है, अशांत रहते हैं, अंतहीन है सत्ता की यात्रा, संपत्ति की यात्रा, संबंधों की यात्रा, चाहे वो तामसिक संबंध है, चाहे राजसिक संबंध है, मैं तो कहता हूँ सात्विक संबंध भी एक स्थिति तक पहुँचा सकते हैं हमें, उसके आगे फिर अनंत का द्वार खुलता है। लेकिन इसमें सात्विक आलंबन सबसे उत्तम है, इसलिए सात्विक आलंबनों में जो सदगुरु हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, उनका आलंबन लिया जाता है। ये बाहर की सत्ता, बाहर की संपत्ति, बाहर के संबंध, बाहर के सुख, बाहर की सफलताएं, बाहर का ऐश्वर्य कभी पूर्ण सुख नहीं दे सकता। इसलिए कहा बाहर जो कुछ हम प्राप्त करते हैं ना, वो कम पड़ जाता है। यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो बाहर से प्राप्त करते हैं उसके लिए मैं हमेशा एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, प्राप्ति समाप्ति, जो कुछ प्राप्त होता है वो समाप्त हो जाता है, उसका आकर्षण मिट जाता, फिर उससे ज्यादा पाने की भूख, उससे ज्यादा पाने की कामना, लालसा तृष्णा वासना वो जागृत हो जाती। इसलिए अर्थ कामेश असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, आत्मकाम बने हम, आत्मकाम, आप्तकाम, ब्रह्मकाम, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मतृप्त। तो ये ज्ञान हो जाए कि सारी सत्ताओं का आधार परमात्मा है, सारी संपत्ति का, सब संबंधों का, सब सुखों का, सब ऐश्वर्य का, सब सफलताओं का आधार परमात्मा है। ये ज्ञान, ये बोध, यही ज्ञान योग है। और जब ये ज्ञान हो गया और भगवान कोई सर्वाधार, सब मेरे साथ बोलिए, थोड़ी देर रुकिए, सर्वाधार, हे सर्वाधार, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वव्यापक, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं। ये इत
इतना सा बस बोध हो गया, विवेक हो गया, तो बस फिर भगवान से दूरी नहीं रह सकती। ये अंदर से, हृदय से, आत्मा से हम स्वीकार कर लें कि प्रभु आप ही सर्वाधार हो, सबके आधार आप ही हो, फिर और किसी को क्यों पाना। कपाल भाती करते रहिए, ये कपाल भाती अंतर्मुखी होने में आपकी मदद करता रहता है, एकाग्र होने में आपकी सहायता करता रहता है, और एकाग्र चित्त में ही ये योग घटित होता है। निरंतरता के साथ करते रहे, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, सहजता के साथ कीजिए। जब भगवान ही सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वांतर्यामी है, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, संघर्ता, सर्वस्व है, तो फिर प्रभु को बिसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी सी क्या याचना करूं मैं, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, क्यों चाहना याचना करूं मैं। तो प्रभु को पा लिया ना, तो प्रभु की प्राप्ति में सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान तो अनंत ज्ञान से, अनंत ऐश्वर्य से, अनंत सुख शांति से, सब प्रकार के सुख से, समृद्धि से, सब प्रकार के शुभ से, सब प्रकार के दिव्यताओं से युक्त, सब कुछ भगवान से ही है, भगवान का ही है, भगवान के लिए ही है। तो फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो जब भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ है, भगवान का ही सब कुछ है, तो फिर भगवान के अलावा और किसकी याचना, और किसकी चाह, और किसकी कामना, और किसी का आधार क्यों ले। ये है ज्ञान योग। और फिर भगवान में जब ऐसा ज्ञान होता है तो भगवान में अनंत श्रद्धा, अनंत भक्ति, अनंत प्रीति हो जाती है। जिसको कि हम महिमा जानते हैं ना, जिसके गुणों को हम जानते हैं, उससे हमारी प्रीति हो जाती है। किसी को बहुत सुंदर हम मानने लगते हैं तो उससे प्रीति हो जाती है। ये संसार की रीति है। जिसके गुणों का हम बहुत चिंतन करते हैं, इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, मैं तो योग की महिमा गाता हूं, भगवान की महिमा गाता हूं। भगवान जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरी शरण में, देखो संसार में किसी को रूपवान देखते हैं ना, उससे प्रीति हो जाती है हमारी। किसी को धनवान देखते हैं, उससे प्रीति हो जाती है हमारी। प्रेम कहाँ होता है संसार में? जिसको हम बहुत अधिक रूपवान देखते हैं, जिसको हम बहुत अधिक ऐश्वर्यवान देखते हैं, कि ये दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष, ये दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री, ये दुनिया का सबसे धनवान पुरुष, ये दुनिया की सबसे धनवान ऐश्वर्यवान स्त्री महिला, ये दुनिया का सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे गुणवान, सबसे विद्वान, सबसे शीलवान, सबसे चरित्रवान, उनसे तामसिक, राजसिक, सात्विक तीन तरह की प्रीति होती है। हमारा तीन तरह का प्रेम होता है। चलो रिलैक्स हो जाओ, आज आपको हम प्राणायाम कराते कराते, प्राण को ही ब्रह्म कहा, मेरे साथ बोलिए, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्।
प्राण ब्रह्म है, ऐसा अनुभव किया, ऐसा जाना, ऐसा समझा हमारे पूर्वजों ने। रोगियों के लिए प्राण औषध है, क्या बोला मैंने, बोलिए, रोगियों के लिए प्राण औषध है। अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः, सारी अशुद्धियों को दूर करने वाला है। तुम ही विश्व भेषजो, प्राण इज ए मेडिसिन एंड प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। तुम ही विश्व भेषजो, और देवानाम दूत ये से सारी दैवी शक्तियों का संवाहक प्राण है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वसे त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम्। इस त्रिलोक में जो भी शुभ है सब प्राण में सन्निहित है, इसलिए मैं प्राणायाम को इतनी महिमा देता। देखो प्राणायाम कराते कराते रोगों से मुक्ति हो जाएगी, ये तो एक तरह की मुक्ति है। देखो गौर से जरा सुनना इस बात को, प्राणायाम की अलग अलग विधियां बताई गई हैं। प्राण तत्व को ऐसे सामान्य खाली प्राणायाम की भस्त्रिका कपालभाति या अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत या अलग अलग प्राणायाम की प्रक्रियाओं से जोड़ करके मत देखना। ये प्राण रोगों से मुक्ति, मुक्ति का साधन, किससे मुक्ति बोलो, जोर से बोलो, ये तो एक प्रकार हुआ। दूसरा विकारों से मुक्ति, किससे, क्लेशों से मुक्ति, किससे, अवातवाही भीषम विवातवाही यद्रपः, जो भी आपके भीतर अशुद्धियां हैं, अशुभ है, दोष है, जितने भी क्लेश हैं, क्लेश कितने हैं, क्या क्या है सब बोलो, अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः अविद्या क्षेत्रं बोलो उत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाराणां अनित्य असुचि दुःखनात्मसु नित्य सुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृक्दर्शन शक्त्योरेकात्मता इव अस्मिता सुखानुशयि रागः दुःखानुशयि द्वेषः स्वरसवाहि विदूषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः। बोलिए आगे, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश हैं। अनित्य को नित्य मानते रहते हैं, अपवित्र को पवित्र मानते रहते हैं। देखो ऊपर से नीचे तक शरीर मलमूत्र से भरा पड़ा है, फिर भी सारी दुनिया इसी की दीवानी हो रखी है। यहां से पूरे शरीर से रोम रोम से इससे स्थानात बीजात उपष्टम भात निसंधनात निधनात अपि कायम आधि यशो चत्वात विद्वंस यशोचि विदु। देह का आकर्षण नहीं, इस देह से, इस परे या इस देह के रोम रोम में जो मर रमा हुआ उससे आकर्षण हो, उस उसके सौंदर्य को जब हम जानेंगे, देह के सौंदर्य से प्रीति होती, तो देह के अंदर जो है जिसने सारा सौंदर्य दिया इस देह को, इस पिंड को और ब्रह्मांड को इतना सौंदर्य दिया, उसका जब बोध हो जाएगा ज्ञान योग वगैरह था, तब कहा देह का आकर्षण है। देह से घृणा नहीं है, ये देह तो ये देह देवाल है, भगवान का दिया हुआ, उसकी सौगात है, उसका उपहार है, लेकिन इस देह के अंदर जो रहता देही आत्मानं रथिनं विद्धि बोलो, शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मिन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। सही सही बोध हो जाए ना, प्रकाश हो जाए। अनित्य को नित्य मानते रहते हैं, ये शरीर नाशवान है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी नाश करना है, आत्मघात करना है, सुसाइड करना है, नहीं, सही सही बोध, ये शरीर नाशवान है तो
इसका ध्यान रख रहे हैं, साधन है साध्य नहीं, बस यही इसका तात्पर्य। अपवित्र को अपवित्र ही मानना और पवित्र को पवित्र मानना है। लेकिन जो पूर्ण पवित्र आत्मा और परमात्मा है उससे कहीं दूर हो जाते हैं और छोटी छोटी अपवित्र चीजों में पवित्र बुद्धि रख करके उनमें आसक्त हो जाते हैं। जो दुख देने वाली चीजें, अब्रह्मचर्य दुख देता है, विषय भोग दुख देता है, हिंसा दुख देती है, झूठ दुख देता है, बेईमानी दुख देती है, दुराचार व्यभिचार दुख देता है, परिग्रह दुख देता है, असुचिता असंतोष अकर्मण्यता आत्मुक्ता नास्तिकता दुख देती है, यम नियमों का पालन न करने से दुख मिलता है स्वयं को भी समष्टि को भी, लेकिन उनको सुख देने वाला मान रहे। अनित्य असुचित दुख हिंसा दुख देने वाली है, अहिंसा से ही सुख बढ़ेगा समष्टि में। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह सोच संतोष तपस्वध्याय स्वप्न सार्वभौमा महाव्रतम, ये सार्वभौमिक है महाव्रत है। इन्हीं से अनित्य असुचि दुख, जो दुख देने वाली चीजें हैं, दुख देने वाले साधन हैं, उनको व्यक्ति सुख देने वाला समझ लेता है।